छोटी तैयार हैं आप किरमिच के गेंद के पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? हाँ मोनू भैया। तो शुरू करते हैं। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होंगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और पड़ोस के घरों में देखा है। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? दिनेश वह चीज़ खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज़ उसने सुनी थी। दिनेश ने अनुमान लगाया होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई। नेक्स्ट, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसी की है। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था, वो किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाह रहा था। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। तो बच्चों, स्कूटर वाले के घर के बच्चे नई गेंद देखकर खुश हो गए होंगे। वे गेंद लेकर तुरंत खेलने चले गए होंगे। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? तो बच्चों, बेल पे कद्दू, तोरी, करेला, ककड़ी, मटर ये लगते हैं। और पौधे किनके होते हैं? टमाटर, बैंगन, मिर्च, पपीता, इनके पौधे होते हैं। तरह तरह की गेंदे। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो बच्चों, क्रिकेट में किरमिच की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, हॉकी में रबड़, फुटबॉल चमड़ा, वॉलीबॉल चमड़ा, टेनिस प्लास्टिक की गेंद। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है?
समूह में चर्चा करो। तो बच्चों, आपको चर्चा करने की चिक और पर्दे में क्या फ़र्क है, इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, घूस, चूहा, पेड़, पौधा, मुड़े, चार दीवारी। तो बच्चों, टहनी पेड़ की डाली को कहते हैं, तना पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है। पेड़ और पौधे में क्या अंतर है बच्चों? पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। घूस और चूहे में क्या अंतर है बच्चों? घूस बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है। मुंडे और चार दीवारी में छत के चारों तरफ उठी दीवार मुड़े कहलाती है, यह अधिक ऊंची नहीं होती है। चार दीवारी घर या जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए उठाई गई दीवार, यह अधिक ऊंची होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तिलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो बच्चों, सरकंडे से सूप, चटाई, कलम, टोकरी, ये सब बनते हैं। क्लब बनाए, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और उसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तो बच्चों, इस क्लब के नियम क्या हो सकते हैं? अनुशासन का ध्यान रखना होगा सभी को, मैनेजर की बात सभी को मानना होगा, खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन शाम में आना होगा, क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे, क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि तभी वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगा। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें होते हैं उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिल हो, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, 3 पहिया स्कूटर। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो बच्चों, आपको बताना है, जैसे कि सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया, ये ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। तो बच्चों, काशीफल का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होता है, कुम्हाड़ा का उत्तर प्रदेश, नेनुआ बिहार, बटाटा गुजरात। शाबाश छोटी। धन्यवाद मोनू भैया। छोटी, अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी लोगों को इसे शेयर करना है।